देखो गाइस ये देखिए हमारे यहाँ के लड़के कितने इंटेलिजेंट हैं। मैं हूँ और मेरा दोस्त है, देखिए बाइक चला रहा है और हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। आया टेंट, हम लोग कॉलेज आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। भाई को या किसी भी जानवर को भी खाना दो तो किसी भी पिन्नी उन्नी को पैक करके मत दो। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग पे, पति पत्नी और ब्लॉग पे। देखते हैं आज संडे है, क्या हो रहा है घर में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गाइस देखिए आज छोले बन रहे हैं, उबल चुके हैं यहाँ पे, दिखाना उबल गए पूरे, नहीं उबले हैं। देखो गाइस ये देखिए हमारे यहाँ के लड़के कितने इंटेलिजेंट हैं, इनमें बहुत दिमाग है। अब सोने को रात में मिला नहीं था, इन्होंने क्या नाम सारी कुर्सियां इकट्ठा करी और एक गद्दा डाला और ये बेड तैयार है। देखिए गाइस शादी या फंक्शन के टाइम पे ऐसे बेड बना के आराम से सो सकते हैं अगर मिले ना सोने को तो। हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज कॉलेज। मैं हूँ और मेरा दोस्त है, देखिए बाइक चला रहा है और हम लोग जा रहे हैं कॉलेज आज अटेंड करने। आप लोगों को आज के व्लॉग में हम अपने कॉलेज के बारे में ही बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं कॉलेज, वहाँ जाके दिखाता हूँ आप लोगों को हमारे लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी कैसी है हमारी और कैसे कैसे हमारी क्लासेस अटेंड होती है, वो सारी चीज़ें। ओके गाइस, मिलते हैं कॉलेज के बाहर। ये देखो हमारे यहाँ की सड़कें कितनी एकदम बड़ी बड़ी है। देखिए ये हम लोग जा रहे हैं NH 9 है ये हमारा, वहाँ से जा रहे हैं और ये मेरठ एक्सप्रेस वे है, देख लीजिए आप। सो गाइज हम लोग जो है कॉलेज पहुँचने वाले हैं, बस कॉलेज आ ही गया हमारा, देख लीजिए ये हमारा कॉलेज, देख लीजिए गाइस IPM लॉ एकेडमी, आप लोगों को नजर आ रहा हो तो। तो गाइस हम लोग कॉलेज आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं आज की क्लासेस कौन कौन से लेक्चर होते हैं आज हमारे। चलिए मिलते हैं कॉलेज के अंदर गाइस, चलो। इस तरफ जो वो एरिया है वो सिर्फ लॉ एकेडमी वालों का, यहाँ पे कोई अदर ब्रांच वाले एंटर नहीं कर सकते हैं। थक गया, भागा 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 भागा, ऐसे भागा, भाग 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 भाग, आ जा। दे रहा हूँ आपकी तरह दौड़ रहा जबरदस्ती, खोल दिया ना मुझे इसीलिए। पानी बाय करो मैं, आ जा, भागो 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 भागो। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने ब्लॉग के जरिए कि कभी भी किसी गाय को या किसी भी जानवर को भी खाना दो तो किसी भी पिन्नी उन्नी को पैक करके मत दो, क्योंकि वो लोग जो है, देखिए यहाँ डस्ट है इतना सारा, यहाँ पे लोगों ने फेंक रखा है पिन्नियों पैक कर करके बहुत सारा खाना। तो जितनी भी गाय या कोई भी जानवर होता है वो क्या करता है कि उस कूड़े को, कूड़े समेत ही पिन्नी समेत ही सारा का सारा डस्टबिन जो है वो खा जाते हैं,
फिर उनके पेट में जो है वो जम जाता है, बीमारियां बन जाती है। आजकल वैसे भी गाय को काफी बीमारियां हो रही है। यहाँ पे देखिए कितना सारा जो है कूड़ा कचरा यहाँ पे फैला हुआ है चारों तरफ, आपको नजर आ रहा होगा। बल्कि गाय भैंस क्या, कुत्ते जानवर बिल्ली कोई सा भी जानवर होता है वो सब लोग खा लेते हैं। तो मैं रास्ते में जा रहा था तो यही याद आया कि आप लोगों को एक मैसेज देता हुआ जाऊं, कृपया करके जो है कभी भी गाय या पशु किसी को भी अगर खाने की चीज़ें कोई दे रहे हो तो कभी भी पिन्नी में पैक करके ना दो, अलग से रख दो साइड में, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा बढ़िया है उनके लिए। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, देखिए वाइफ है हमारे साथ में। हाय। चलिए गाइस मिलते हैं फिर। नाना लाइट वाले बुलाइए जरा, सो रहे हैं यार, कितने आवाज लगा जगा दी है। पंडित जी सिंगार भी मिलेगा, भी मिलेगा डिमांड ज्यादा है। तो मिल गया क्या प्रसाद था वो रखिए नहीं। चला करो चलो